नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बरवाड़ा के पूर्व विधायक रामनिवास गुडेला जी, जो कि लगातार जो है बैकवर्ड समाज को है जोड़ने का काम कर रहे हैं और पूरे हरियाणा के अंदर जो है लगातार जो है रैलियों का दौर जारी है। तो इनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से जो है बैकवर्ड को है जोड़ने का काम कर रहे हैं। सर, आपने फतेहाबाद में भी रैली की है, गोहाणा के अंदर भी है, तो अच्छा खासा जो है बैकवर्ड समाज का जो है आपके साथ लगाव देखने को मिला है, तो अब आगे का किस प्रकार से जो है समाज को लेकर चलेंगे आप? सबसे पहले जितने भाई आपका चैनल देख रहे हैं सबको मेरी राम राम। बाकी विनोद जी, आपने पूछा बैकवर्ड का बारे में। देखो, बैकवर्ड की जोड़ने की बात है, बैकवर्ड के आज जो बीजेपी की सरकार है, जो बैकवर्ड के वोट लेके सरकार बनी, ये तो हम भी कहते आ रहे हैं पुराने समय में, हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। तो बीजेपी जब सत्ता में आई तो बैकवर्ड के वोट गए तो सत्ता में आई, तो इन्होंने बैकवर्ड के साथ ही गलत काम करने शुरू कर दिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे क्रीमी लेयर का मुद्दा हो, चाहे जातीय जनगणना का हो, चाहे क्लास 1-2 की बात हो, चाहे 100-100 वर्ग गज के प्लाट की बात हो, चाहे बच्चों को वजीफे की बात हो, चाहे पंचायतों के अंदर आरक्षण की बात हो, बहुत सारे मुद्दे हैं बैकवर्ड के। तो देखो, मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ हमारे बैकवर्ड के बहुत सारे साथी आए थे, कई संगठन मेरे से मिले और कईयों के फ़ोन भी आए कि बैकवर्ड के साथ आज बीजेपी सरकार बहुत गलत काम कर रही है। तो हमने उनको सुझाव दिया था कि आप लोग सम्मेलन करो, तो उन्होंने कहा कि सम्मेलन में आपने आना पड़ेगा। तो हम सम्मेलन में जाते हैं, समाज के लोग इकट्ठा होते हैं, मेरे को बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। और मैं एक बात कहता हूँ, देखो, हमेशा कोई बात हो हमेशा सरकार से मांगी जाती है, तो हम सरकार को बताते हैं कि हमको गलत चीज़ नहीं मांग रहे, हमारी ये चीज़ हमारे को पहले मिल रही है, इनसे आप छेड़छाड़ मत करो। जो जैसे कि क्रिमिलेयर है, 8 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, इन्होंने 6 लाख कर दी, पहले 3 लाख करी। और मैं कहता हूँ जिस दिन मेरी सरकार में भागीदारी होगी हम 10 लाख रुपये करवाएंगे, ये मैं आज कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और क्लास 1-2 के अंदर, जैसे कि हमारे समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुड्डा साहब जी ने 10 का 15 कर दिया था, 27 नहीं हुआ, बाकी 27 करो। और 100-100 वर्ग गज के प्लाट 3,92,000 दिए हमारे समय में, इतने तो दो कम से कम। वजीफा 50 रुपये से लेकर 650 रुपये तक हुड्डा साहब के समय में था, तो इसको इतना क्या डबल तो करो कम से कम। आज 10 साल होगी, हर चीज़ की महंगाई होगी और भी अनेक काम ही ना, तो बच्चों की फीस 500 रुपये कर दी सरकारी स्कूल में, स्कूल का नाम बदल दिया, मॉडर्न स्कूल, सरकारी स्कूल, तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। और बहुत सारे मुद्दे हैं, तो इन मुद्दों को लेकर हमने प्रोग्राम शुरू किए। तो पिछड़ा वर्ग की रैली बहुत बड़ी रैली हुई, कई हज़ार आदमी वहाँ पर इकट्ठे हुए और सरकार को बताया, कुछ सरकार का समझ में आया, कुछ इन्होंने पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन किया। परंतु मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन तो हमारे समय में था, इन्होंने जैसे कि हुड्डा साहब बताते हैं ये सरकार तो नाम बदलू फिता काटू सरकार है, आपका नाम लगाने के लिए इन्होंने बीच बंद कर दिया, अब दोबारा चालू कर दिया। हमारे समय में उसके बैकवर्ड के 3 मेंबर थे, इन्होंने एक लिया, बता उससे कैसे बैकवर्ड को हक मिलेगा। और भी घने काम है जो बंद कर दिए, जैसे माटी कला बोर्ड का गठन किया हुड्डा साहब ने, इन्होंने बंद कर दिया। अब चालू करके भाई बीजेपी का धन्यवाद हो, एक केस कला बोर्ड का गठन किया, बहुत सारे मेंबर थे हमारे समय में बैकवर्ड के। तो देखो, इन्होंने कुछ नहीं किया बैकवर्ड का। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी मांग को माने, और ताकि सरकार का ये हो भी ठीक काम कर रही है। बाकी नहीं तो भाई देखो, 1.5 साल तो हम सरकार से मांगेंगे, उसके बाद में हम विपक्ष को बताएंगे हमारी ये मांगे। विपक्ष आज का दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कांग्रेस पार्टी है, हम उनको बताएंगे। तो सर, ये जो रैलियों का जो दौर है बैकवर्ड के लिए, तो ये लगातार पूरे हरियाणा के अंदर जारी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हमने पहला फतेहाबाद किया, प्रदेश स्तरीय थी, अब जिला स्तरीय हमने गोहाणा किया, और समाज के लोगों ने स्टेज के माध्यम से मांग करी थी कि भाई साहब अगला सम्मेलन हमारा भिवानी में करो, और कैथल की बात भी आई थी। तो हमने फिर उनके जितने भी समाज के वहाँ पर बैकवर्ड के साथी बैठे थे, उन्होंने सलाह करके फैसला लिया कि हम अगला प्रोग्राम भिवानी करेंगे, और जब तक करेंगे तब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मानती। सर, एक कुलदीप बिश्नोई जी है भाजपा के अंदर जाने के जो है क्या सुन के चल रहे हैं, लगातार जो है बड़े नेताओं के संपर्क में है, और तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्या देखो भाई, कांग्रेस पार्टी पे कुछ असर पड़ेगा इसको? ना, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। कि जो आदमी कांग्रेस पार्टी के अंदर रह के कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुँचा सकता है, उससे बढ़िया तो अलग चल जाए तो ठीक है। और इन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर रह के कांग्रेस पार्टी को नुकसान किया, हमारा राज्यसभा का मेंबर बनना था, और उनसे इसने बहुत बड़ा नुकसान किया है, कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर किया है। तो इससे कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, वैसे कांग्रेस पार्टी से बाहर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है किसी से मिले। सर, आपका नाम भी जो है आदमपुर से जो है
चल रहा है कि भाई आप भी जो है वहाँ से जो है चुनाव लड़ सकते हैं, जयप्रकाश का भी नाम जो है चल रहा है, तो अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको टिकट देते हैं तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे वहाँ से? देखो ये तो आज के दिन तो अनुमान है भाई, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा तो सरोसरी है, सरोपरी है। देखो जो मेरे को, देखो मेरा नेता है, ठीक है, तो बाकी उनका आदेश तो टाल नहीं सकते। बाकी देखो कांग्रेस पार्टी अगर ये कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़ता है और वहाँ पर चुनाव होते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कांग्रेस पार्टी, चौधरी उदय बान जी, भाई दीपेंद्र जी, जिसको भी टिकट देंगे हम दिल खोल के मदद करेंगे उसका। सर एक अजय माकन द्वारा जो है किरण चौधरी के ऊपर जो बयान दिया गया था, तो उसको लेकर के कांग्रेस के अंदर फूट नज़र आ रही है? नहीं नहीं, कांग्रेस के अंदर फूट नहीं नज़र आ रही। देखो हमारे 31 विधायक कांग्रेस पार्टी के थे, बाकी मैं विधायक तो नहीं हूँ, तो 31 विधायक कांग्रेस पार्टी के थे, फिर भी अगर हम आ रहे हैं तो हमारी देखो इसमें बड़ी पार्टी के अंदर बड़ा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो इसमें मैं तो कहता हूँ जितने भी उन क्षत्रिय नेता है तो उनको भाई इसकी बढ़िया जांच करके उस पर संज्ञान लेना चाहिए। जिस भी आदमी का वोट है कैंसिल हुआ है, देखो ये बड़ा गलत हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण। तो सर एक किरण चौधरी भी जो है अपने हल्के के अंदर अब जो है सक्रिय नज़र आ रही है, क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर जो किरण जो चौधरी है तो वो क्या नाम अपने हल्के को लेकर के जो है लगातार जो है अब जो है दौरे करने जो है शुरू कर देंगे, तो इससे कुछ कांग्रेस पर भी असर पड़ेगा? नहीं नहीं, आपका हल्का हम सारे दौरे करें, मैं बरवाड़ा करने लग रहा हूँ, अब कल की मेरी मीटिंग है, वर्कर मीटिंग लाडुआ गाँव के अंदर। देखो जो जहाँ से चुनाव लड़ेगा भाई वो आदमी मान ले आपका हल्का का दौरा तो करेगा, करना भी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियाँ हैं उनको बताना भी चाहिए। भाई कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ ये है, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के समय में ये काम हुए हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार में ये काम हुए, आज समय हमारा बताने का। आज जब हम बात नहीं बताएंगे तो इलेक्शन हमारी बात कौन सुनेगा, इलेक्शन में दूसरे लोग आ जाएंगे। आज हम गांव गांव में जाके हमारी नीतियों को बताते हैं कि 10 साल हमारी सरकार रही, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे, उनके समय में ये काम बैकवर्ड के, SC के, किसान भाइयों के, व्यापारी भाइयों के, सबके हितों की बात हम बताते हैं। सर एक महंगाई का जो मुद्दा सबसे बड़ा चल रहा है, तो इसको लेकर के जो है अगर कांग्रेस पार्टी अगर आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बनती है तो क्या महंगाई पर कंट्रोल होगा? बिल्कुल महंगाई पर कंट्रोल, देखो पार्टी का नेता और पार्टी की नीति और पार्टी की नीतियाँ ये अच्छी होनी तो हर चीज़ संभव हो सकती है। और रोजगार की बात करें तो रोजगार हरियाणा प्रदेश के अंदर हुड्डा साहब के समय में बहुत बच्चों को रोजगार दिया था, हमारे हल्के के अंदर भी हजारों बच्चे लगे थे उस टाइम में। मैं आपको बताऊँ मेरी योजना में, पहले वाली योजना में लगे अलग, आज हरियाणा प्रदेश देश के सबसे लास्ट वाले पीछे चल गया है बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश। और जो आज ये देखो फिरौती मांग रहे हैं, जो लूटपाट हो रही है, चोरियाँ हो रही है, बेरोजगारी की देन है। अगर बच्चों को रोजगार नहीं देंगे तो बच्चे करें क्या गा? गलत काम में पड़ गए बबच्चे। सरकार क्या कह गया थी 2 करोड़ नौकरी 1 साल में देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, हरियाणा प्रदेश अलग था, और 75% प्राइवेट कंपनियों में देंगे। सिर्फ नाम नाम है, बाकी काम नहीं है। कागजा में नाम है, कागजा में TV चैनल भाषण देते हैं सरकार वाले, दोनों पार्टियां मिलके, चाहे JJP की हो चाहे BJP की हो, बात करते जमीन स्तर पर काम नहीं है। कोई भी नौकरी नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनियों में नौकरी नहीं है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है, बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश सबसे पीछे। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक राम निवास गुडाला जी, उनका साफ तौर से यही कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी अगर बनती है तो एक महंगाई पर जो है रोक लगाएगी और जो आने वाले जो समय में जो है बेरोजगार जो युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेगी। पंजाब के TV के लिए हिसार से विनोद सिंह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।